नमस्कार. आज आपण अस्मिता ऑर्गॅनिक फार्मवरती इथे आहोत आणि इथे मुजफ्फर हुसेन साहेबांच्या फार्मवरती जीवामृत बनवण्याचं प्लांट लावलेलं आहे. आपण आता समजून घेऊया जीवामृत म्हणजे नेमकं काय आणि त्याचा वापर कसा होतो आणि या ठिकाणी त्यांनी हे टँक कशासाठी लावले आहेत. मुजफ्फर हुसेन साहेब आता इथे आहेत, आपण त्यांच्याशी बोलूया. नमस्कार साहेब. ये जीवामृत बनाने की टैंक्स है क्योंकि हमारा फार्म बहुत बड़ा है तो जीवामृत बड़ी संख्या मात्रा में हमको लगता है. ये टैंक है, इस टैंक के अंदर 1000 लीटर पानी के साथ गाय का गोबर और गौमूत्र, गुड़ और बेसन, अगर चने का बेसन नहीं है तो तूर का भी बेसन पीस करके वो भी डाला जा सकता है और उसे 48 घंटे इसमें रखा जाता है और दिन में 3 बार इसको स्टियर किया जाता है, इसको मिक्स किया जाता है, घुमाया जाता है. 48 घंटे में 6 बार इसको घुमाने के बाद इसे फिल्टर, ये टैंक के अंदर फिल्टर लगा हुआ है और आप देख सकते हैं कि इसमें से फिल्टर होके जीवामृत बाहर आता है. ये जीवामृत ये 48 घंटे का जीवामृत है फर्स्ट प्रोसेस का. इसे निकालने के बाद जो अंदर स्लरी गोबर की, गौमूत्र की, बेसन की, चने के आटे की या तूर के आटे की बच गई है उसमें फिर से एक बार पानी भर के दिन में 3 बार फिर स्टेयर करके घुमा करके मिक्स करना है सवेरे दोपहर और शाम, और 24 घंटे का जीवामृत फिर निकलता है. तीसरी बार फिर से फिर पानी भरना है, स्टेयर करना है और फिर से उसका जीवामृत निकलता है. मतलब एक बार आप गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन डालते हैं तो उसका 3 बार जीवामृत निकलता है. उसके बाद में जो उसकी स्लरी बच जाती है वो इसी पाइपलाइन से वो डिस्पोज होती है और वो यहाँ पिट के अंदर एक गड्ढा बना के, ये जो पिट है ये उसकी स्लरी है.